Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study the chapter A Letter to God by G.L. Fuentes of class 10th. सबसे पहले हम जानेंगे background of the story. Lancho, a farmer who is the protagonist of the story, writes a letter to God. In the letter he seeks help from the Almighty as he discovers his entire crop yield has been destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially if not completely, he remains ungrateful in the end. ये एक फार्मर की कहानी है जिसका नाम है लेंचो. तो लेंचो किसान जो कि स्टोरी का प्रोटागनिस्ट मीन्स नायक है, हीरो है, मेन कैरेक्टर है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है. लेटर में वो ऑलमाइटी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली से हेल्प मांगता है. कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? भगवान. भगवान से वो हेल्प मांगता है क्यों? क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल की उपज डिवास्टेटिंग विनाशकारी हेल स्टॉम बोलते हैं ओलों को, ओलों से नष्ट हो गई है. ऑल दो उसकी ये विश पूरी हुई कि नहीं हुई या फिर थोड़ी सी पूरी हो पाई, कम्प्लीटली जितना वो चाहता था उतनी पूरी नहीं हो पाई, ये आगे हमको चैप्टर में पढ़ना है. बट एंड में वो अनग्रेटफुल ही रहता है भगवान के लिए, थैंकफुल नहीं रहता. क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हमें कितना भी मिल जाए हम खुश नहीं होते. थीम ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी डिस्कसेस द पावर ऑफ इनोसेंट फेथ इन गॉड बाय अ मैन एंड हाउ इज एबल टू अकम्पलिश हिज वॉन्ट थ्रू इट. द स्टोरी एंड्स विद एन आयरनी. द स्टोरी टॉक्स अबाउट लेंचो द मेन कैरेक्टर हु इज अ फार्मर एंड हैज इमेंस फेथ इन गॉड. ये स्टोरी एक आदमी के भगवान में इनोसेंट फेथ मीन्स, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, बट यहाँ इनोसेंट फेथ के लिए हम कहेंगे प्योर फेथ मीन्स पूरा विश्वास था, पवित्र विश्वास था जिसके माध्यम से उसने अपनी इच्छा पूरी की. कैसे इच्छा पूरी की? भगवान में विश्वास रखते हुए. इस बारे में ही कहानी में डिस्कस किया गया है. कहानी जो है वो एंड कैसे होती है? एक आयरनी के साथ. आयरनी किसको बोलते हैं? विडंबना के साथ कहानी एंड होती है. एक आदमी कौन, किसके बारे में बात हो रही है? कहानी का जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक किसान था, उसी के बारे में बात हो रही है. उसका भगवान में बहुत विश्वास था, अपार श्रद्धा रखता था वो भगवान में. Now let's start our story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Entire valley means पूरी घाटी पर एक अकेला घर था जो कि छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं चोटी पर बना था. पिक्चर में आप देख सकते हैं. तो लेंचो जो कि फार्मर है, किसान है जिसके बारे में कहानी है, उसका जो घर था वो छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पर पूरी घाटी में एक अकेला घर था. लेंचो को उसके घर से फील्ड, खेत दिखते थे कॉर्न के जो कि पक चुकी थी. उसके कुछ बड़े बेटे थे और कुछ छोटे बेटे. लेंचो खड़ा हुआ है अपने घर के बाहर और अपने खेतों को देखकर सोच रहा है कि अगर बारिश आ गई तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं अच्छी खासी कमाई कर लूँगा. एंड ही वॉज हैप्पी. उसको गॉड पे फेथ होता है और वो कहता है कि उसको लगता है कि बारिश आ जाएगी और हमें बहुत फ़ायदा होगा. वो खुश होता है और अपने घर के अंदर जाके डिनर करने लगता है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो विंड्स चलने लगती हैं, विंड से सारी फसलें लहराने लगती हैं. स्टार्टिंग में लेंचो खुश होता है, उसे लगता है कि बारिश आने वाली है, बट धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि ये नुकसान वाली बारिश है. बिकॉज बारिश नहीं होती है, हेल स्टोन्स होते हैं. हेल स्टोन क्या? वही ओले, ओले पड़ रहे होते हैं जो कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे. ओले वाली बारिश फसल के लिए हार्मफुल होती है, वो फसल को ख़राब कर देती है. तो सोचा क्या था लेंचो ने कि बारिश होगी और फसल अच्छी होगी. उसको फेथ था गॉड में कि भगवान ऐसा ही करेंगे, बट ओले गिरते हैं और फसल ख़राब हो जाती है. अब यहाँ पर आयरनी है, ओले की बारिश से लेंचो तो बहुत परेशान होता है बट उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं. क्यों खुश होते हैं? ओलो को बुक्स में फ्रोजन पर्ल्स लिखा है, मीन्स मोती, पर्ल्स होते हैं मोती, फ्रोजन जमे हुए. क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों को वो फ्रोजन पर्ल्स कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे. बच्चों को वो सुंदर लग रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे, उनको कलेक्ट कर रहे थे.
It's really getting bad now. The field was white as if covered with salt. अब लेंचो बहुत परेशान था कि हेलस्टोन्स ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। उसकी फसल के ऊपर वाइट चादर जैसी बिछ गई थी, किसकी? ओलों की। ओलों से सारा खेत वाइट वाइट दिखाई दे रहा था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद नमक पड़ा है ज़मीन पर। इस तरह से वाइट हो गई थी ज़मीन। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉक। अब वो अपनी परेशानी में क्या करता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है। क्यों? अब भी उसे गॉड पे फेथ था और वो भगवान से किसी चमत्कार की, मैजिक की कोई होप नहीं रखता है। ऐसा नहीं बोलता है कि भगवान ऐसा कुछ करो कि खेत फसल अपने आप ठीक हो जाए। नहीं, वो गॉड से कहता है कि मेरा फील्ड तो नहीं सही हो सकता, मेरा खेत अब ठीक तो नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट 100 pesos, जैसे हमारे यहाँ रुपये होते हैं, हमारी करेंसी रुपये है, वैसे ही पैसोज कहाँ की करेंसी है? फिलीपींस की। तो वो 100 pesos मांगता है भगवान से। वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है लेटर में कि मुझे 100 pesos चाहिए अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, और लेटर को पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मेन चीज़ क्या है? इमेंस फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। और इतना ज़्यादा फेथ होता है उसको गॉड में कि वो अपने लेटर का रिप्लाई लेने भी पोस्ट ऑफिस जाता है, क्योंकि उसको बिलीव होता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे और उसको 100 pesos मिलेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉई वेंट टू हिज बॉस एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो अब जो लेटर उसने भेजा था उसे जब पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉई देखता है और पढ़ता है, उसको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो लेटर को देता है अपने हेडमास्टर को। जब हेडमास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही हैरान रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस इंसान को कितना फेथ है भगवान पे आज के टाइम में भी। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि हम इसके फेथ को पूरा करेंगे, वी विल ट्राई कि हम इसकी विश पूरी कर पाएं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो वो क्या करते हैं, हेडमास्टर अपनी सैलरी में से और अपने अदर एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन करवा के 70 pesos कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ये दिखाया है कि पैसों की बहुत वैल्यू थी उस टाइम पे, वो 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पाते, 70 pesos कर पाते हैं अपनी मेहनत की कमाई में से, और एक एनवेलप में डाल देते हैं और उस पर गॉड लिख देते हैं सो डैट लेंचो को लगे कि ये गॉड ने ही दिए हैं। अब लेंचो आता है, एनवेलप ओपन करता है, जब उसमें 70 pesos देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ फिर से आयरनी दिखाई है, वो सोचता है कि भगवान ने पूरे 100 pesos ही भेजे होंगे, पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 pesos निकाल लिए होंगे, चोरी कर लिए होंगे। गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्ट फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो क्या कहता है वो गॉड से, जितने पैसोज मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी दी रेस्ट, बचे हुए मुझे भेजें क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मीन्स बदमाशों का झुंड है लेंचो। तो यहाँ दिखाई गई है ह्यूमन टेंडेंसी कि डैट कोई कितनी भी मदद कर ले आज के टाइम में भलाई का ज़माना नहीं है। So in the end we can say that Lencho was a blind worshipper of God. With this our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.